हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर और आज हम बात करेंगे तेजस फाइटर जेट्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को बहुत ज्यादा बूस्ट किया है और इसके रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जहां इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट को खुद के लिए इंडिजिनसली डेवलप कर रहा है, इसी के साथ एक दूसरा एम जो अब इंडिया ने बना लिया है वो ये है कि इंडियन इक्विपमेंट्स को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाए। और ब्रह्मोस मिसाइल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें ब्रह्मोस ने न केवल इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ाया है बल्कि इंडियन इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट किया है। वहीं ब्रह्मोस के बाद इंडिया की उम्मीद अब तेजस फाइटर जेट पर टिकी हुई है और अर्जेंटाइन एयरफोर्स, जो कि अपने लिए इसी तरह के फाइटर जेट्स खरीदने के लिए खड़ा है, उसमें तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बहुत अच्छे से फिट हो रहा है। अगर हम देखें तो अर्जेंटीना स्वीडिश साब ग्रिपेन और साउथ कोरियन FA-50 ट्रेनर लाइट फाइटर को खरीदना चाहता था, पर इसमें कई सारे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पार्ट्स हैं, जिस पर ब्रिटेन ने एम्बार्गो लगाया हुआ है। और इसके पीछे का रीजन सिर्फ ये है कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन में फॉकलैंड आइलैंड को लेकर इश्यूज बने हुए हैं, जिसमें अर्जेंटीना ब्रिटिश मेड कंपोनेंट और इक्विपमेंट नहीं खरीद सकता। और इसीलिए जो अर्जेंटीना के लिए पोटेंशियल ऑप्शन बताए जा रहे हैं वो है चाइना और पाकिस्तान द्वारा मिलकर बनाया गया JF-17, वही अमेरिकन कंपनी द्वारा बनाया गया F-16 और इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया तेजस। पर इस कंपटीशन में फ्रंट रनर तेजस MK-1A और JF-17 को बताया जा रहा है, जो कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स के लिए सुटेबल है। लेकिन अगस्त 2022 में इंडिया ने यह एडमिट किया है कि अर्जेंटीना ने उसके तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाया है और दोनों ही देश डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए कई सारे मिलिट्री विजिट्स, डिफेंस ट्रेनिंग और कोऑपरेशन कर रही हैं। वहीं इंडिया किसी भी हाल में इस डील को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता है, इसीलिए अर्जेंटाइन एयरफोर्स के लिए ये एक बजट फ्रेंडली डील बन सकती है। पर इस डील में एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो बन रहा है वो ये है कि इस LCA तेजस में कुछ कंपोनेंट्स ब्रिटिश मेड है और इसीलिए इंडिया को जल्द से जल्द इन ऑब्स्टेकल्स को हटाना होगा। वेल, अगर हम इस ब्रिटिश मेड कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें ओरिजिनल रडार ब्रिटिश ओरिजिन की थी, पर एक्सपर्ट का ये कहना है कि इंडिया इसे इजीली डोमेस्टिक उत्तम SR रडार से रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इसमें ब्रिटिश डिजाइन का इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग मैकेनिज्म है, जिसे रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि इसे रिप्लेस करने में कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। वहीं इसमें ब्रिटिश मेड इजेक्शन सीट भी है और इसे रिप्लेस करने में बहुत सारा पैसा लग जाएगा, साथ ही इसके केबिन को फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अर्जेंटीना को अश्योर किया है कि वो ब्रिटिश ओरिजिन के सारे पार्ट्स उन्हें रिमूव और रिप्लेस करके देंगे, जिससे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट UK एम्बार्गो के अंडर नहीं आएगा। अर्जेंटीना अक्टूबर के एंड तक तेजस की इन डेप्थ इवैल्यूएशन को कंडक्ट करना चाहती है और इसी के बाद ये पता चलेगा कि अर्जेंटीना तेजस को खरीद रहा है या नहीं। दोस्तों, इस बारे में आपकी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।